नहीं किया था एक्चुअली बेटा, तो कब हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है बेटा, उसके बारे में कहा था बेटा कि एक्चुअली में सेवन फंडामेंटल कैटेगरीज है, ठीक है बेटा। और कैटेगरी का कंसेप्ट भी मैंने दिया था और टैक्सान का कंसेप्ट भी मैंने दिया था बेटा, क्लियर। फिर हमने बेटा कंसेप्ट स्टार्ट किया था स्पीशीज का, ठीक है बेटा। और स्पीशीज की डेफिनेशन बेटा हमने बताई थी दैट इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट भी इसको कहते हैं बेटा, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच इंटरब्रीड या विच फ्रीली इंटरब्रीड विद ईच अदर, विच फ्रीली इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। और जो बेटा फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है बेटा। तो फिर से बेटा देखेंगे, तो कल हमने स्पीशीज का कंसेप्ट जो दिया था बेटा, बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट जो दिया था, इसमें हमने कहा था कि स्पीशीज हम कहते हैं एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो एक दूसरे के साथ बेटा इंटरब्रीड करेंगे, लेकिन इंटरब्रीड करने के बाद बेटा ये क्या करेंगे, ये बेटा फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है बेटा। ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है, बात को समझना बेटा, इट होल्ड्स गुड फॉर एनिमल्स, ये बेटा एनिमल्स के लिए ठीक है। लेकिन अगर हम बेटा प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स में बेटा हम इजीली क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बेटा करा सकते हैं, हम इजीली बेटा प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, और जो प्लांट हमें हाइब्रिडाइजेशन के बाद बेटा मिलेगा वो प्लांट बेटा फर्टाइल होगा, दैट प्लांट विल बी फर्टाइल। इस कंसेप्ट को बेटा मैं थोड़ा इलाबरेट करूंगा, समझना मेरी बात। यहां पे मैं कह रहा हूं कि जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है बेटा, ये एनिमल्स के लिए ठीक है बेटा। मान लिया हमने कि अगर हम डिफरेंट स्पीशीज लेंगे एनिमल्स में, फॉर एग्जांपल हॉर्स और डंकी बेटा हमने लिया, तो हमने देखा वहां पर रिप्रोडक्शन हुई, लेकिन वहां पर जो इंडिविजुअल बना उसको हमने म्यूल का नाम दिया, लेकिन वो बेटा फर्टाइल नहीं निकला। लेकिन अगर हम प्लांट्स में बेटा दो डिफरेंट स्पीशीज लेंगे बेटा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज ए और हम लेंगे यहां पे स्पीशीज बी बेटा, अगर हम इन दो के बीच में बेटा क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे बेटा, क्रॉस करेंगे, दो डिफरेंट स्पीशीज है इनके बीच में क्रॉस करेंगे, उसको बेटा नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। वहां पे बेटा आपको क्या मिलेगा, वहां पे आप देखोगे कि जो प्लांट सी निकलेगा बेटा ये फर्टाइल होगा, ये अच्छे से फ्रूट्स देगा, ये अच्छे से अपनी प्रोजेनी को बेटा इंक्रीज करेगा। सो दिस कंसेप्ट होल्ड्स गुड फॉर एनिमल्स, लेकिन ये बेटा प्लांट्स में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स में बेटा एक रूल आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज रूल इन केस ऑफ प्लांट्स, हाइब्रिडाइजेशन इज रूल इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में बेटा हाइब्रिडाइजेशन बेटा होती है, क्लियर बेटा। तो ये हमारे पास है स्पीशीज का कंसेप्ट बेटा, ठीक है। अब हम एक एक करके बेटा इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बेटा उठाएंगे, ठीक है। तो स्पीशीज में बेटा और एक चीज हमें डिस्कस करना है, क्लियरली समझना। स्पीशीज में बेटा हमें और एक कंसेप्ट समझना है। मैं यहां पे तीन स्पीशीज ले रहा हूं बेटा, ठीक है बेटा। एक स्पीशीज मेरे पास है लाइन, सिंपल एग्जांपल्स में दूंगा। दूसरी स्पीशी है हमारे पास टाइगर, क्या है बेटा, टाइगर। और तीसरी स्पीशी है हमारे पास जिसको हम नाम देते हैं लीपॉड, ये बेटा रहा लीपॉड, ठीक है बेटा। अब टाइगर को बेटा हम, सॉरी, लाइन को बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज पैंथेरा लियो, इट इज कॉल्ड एज पैंथेरा लियो। जो टाइगर होता है बेटा इसको नाम देते हैं पैंथेरा टिग्रिस, इसको बेटा हम पैंथेरा टिग्रिस का नाम देते हैं, और ये बेटा लीपॉड जो है इसको हम नाम देते हैं पैंथेरा पार्डस, इसको हम बेटा नाम देते हैं पैंथेरा पार्डस। बात को समझना बेटा, यहां पे मैंने तीन स्पीशीज ली, इसको मैंने नाम दिया पैंथेरा लियो, इसको मैंने नाम दिया पैंथेरा टिग्रिस, इसको मैंने बेटा नाम दिया पैंथेरा पार्डस। अगर आप इन तीन स्पीशीज को बेटा देखोगे तो इसमें सिर्फ ये जो लियो यहां पर हम ले रहे हैं ना, लियो बेटा यहां पर स्पीशीज है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि इस पैंथेरा लियो में स्पीशीज हम किसको कहते हैं, स्पीशीज यहां पे सिर्फ लियो है, पैंथेरा यहां पे स्पीशीज नहीं है,
पैंथरा में बाद में बताऊंगा ये क्या है, पहले ये बात समझे कि लियो बेटा एक्चुअली स्पीशीज है। ये जो टिग्रिस है ना बेटा ये स्पीशीज है, यानी कि टाइगर है। ये जो पारस है ना बेटा ये लीपॉड है बेटा। तो हम कहेंगे लियो लाइन है, टाइगर टिग्रिस बेटा टाइगर है और पारस बेटा लीपॉड है। ठीक है बेटा, ये स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पैंथरा है ना ये पैंथरा बेटा इट रिप्रेजेंट्स द जीनस, ये बेटा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं लिखूंगा यहां पे ये बेटा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पैंथरा भी बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीनस को बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दूसरे एक एग्जाम्पल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लांट है जिसको मैं नाम देता हूं सोलनम ट्यूबरोसम। क्या नाम देता हूं, सोलनम ट्यूबरोसम, सोलनम ट्यूबरोसम, सोलनम ट्यूबरोसम बेटा पोटेटो है। ठीक है, लेकिन इसमें स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रही है सिर्फ ट्यूबरोसम। जो सोलनम बेटा है इट रिप्रेजेंट्स द जीनस, इट रिप्रेजेंट्स द जीनस। ये बेटा हमें नॉर्मल क्लेचर में क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। लेकिन आप पॉइंट्स को देखिए बेटा, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे हम। ठीक है, आप मान लीजिए बेटा हमारे पास लियो है, हमारे पास टाइगर है, हमारे पास बेटा लीपॉड है। ठीक है बेटा, ये एक स्पीशीज है, ये दूसरी स्पीशीज है और ये थर्ड स्पीशीज है। अगर मैं आपसे बेटा कहूंगा मुझे बताइए टाइगर लाइन, टाइगर और लीपॉड में बेटा कितनी सिमिलरिटीज है, इनमें कितनी सिमिलरिटीज है, ये एक स्पीशीज है, ये दूसरी है, ये थर्ड है। आप कहोगे बेटा इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है, टाइगर और लाइन के बीच में बहुत सिमिलरिटी है, लीपॉड और टाइगर में बेटा बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। जिन स्पीशीज में बेटा सिमिलरिटी ज्यादा होती है, बात को समझना, जिन स्पीशीज में सिमिलरिटी ज्यादा होती है बेटा उनको बेटा हम एक ही जीनस में रखते हैं, उनको बेटा हम एक ही जीनस में रखते हैं। तो यहां पे बेटा जीनस बन गया, दैट इज कॉल्ड एज पैंथेरा। सो पैंथेरा बेटा एक्चुअली में जीनस है, लेकिन ये जो जीनस है इसमें हम बेटा उन स्पीशीज को रखते हैं जो आपस में बेटा बहुत ज्यादा सिमिलरिटी दिखाते हैं, उनको बेटा हम एक ही जीनस में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैंथेरा। पहले टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है दैट इज स्पीशीज, अब दूसरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड जीनस। पहले स्पीशीज हम देख रहे हैं कि इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा बेटा जो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है इन एवरी रेस्पेक्ट, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, हमने कहा लाइन एक स्पीशीज हमारे पास बन गई, इसमें सिमिलरिटी है, सब कुछ है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। सो जितने भी टाइगर्स है उन सबको हमने नाम दिया इट इज कॉल्ड लाइन, और लाइन को बेटा हमने नाम दिया लियो। अब मैं कह रहा हूं बेटा जब मैं लाइन को देख रहा हूं एक स्पीशीज है, टाइगर को देख रहा हूं दूसरी स्पीशीज है, लीपॉड को देख रहा हूं बेटा दूसरी स्पीशीज है, इनमें बेटा सिमिलरिटी है, बहुत हद तक बेटा सिमिलरिटी है, लेकिन आपस में बेटा ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, स्पीशीज अलग है लेकिन सिमिलरिटी ज्यादा है। तो मैंने कहा इनको एक ही जीनस में रखेंगे एंड दैट जीनस इज कॉल्ड एज पैंथेरा, उस जीनस को बेटा हम नाम देते हैं पैंथेरा। इसी तरह बेटा हम समझेंगे और एक कैटेगरी को, और एक कैटेगरी को बेटा हम समझेंगे दैट इज कॉल्ड एज, जिसको हम नाम देंगे इसके बाद। पहले हमने लिखा स्पीशीज, अब हम बेटा कर रहे हैं यहां पे जीनस। जीनस अगर आपको कोई बोलेगा रिलेटेड स्पीशीज आर पुट टुगेदर, रिलेटेड स्पीशीज आर प्लेस्ड टुगेदर, इसमें हम बेटा रिलेटेड स्पीशीज को एक ही जगह पे बेटा रखते हैं, रिलेटेड स्पीशीज आर प्लेस्ड टुगेदर, क्लियर। अब इसकी बात है बेटा, अगर आपको याद होगा पहले हमने कहा था जी स्पीशीज है, जीनस है बेटा, उसके बाद हम बात करेंगे कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो इसके बाद हमें बेटा फैमिली की बात करनी है। ठीक है बेटा, बात को समझना फिर से, मैंने एक जीनस यहां पे बनाया दैट इज पैंथेरा, है कि नहीं बेटा पैंथेरा। ये क्या है बेटा जीनस, इसमें कितनी स्पीशीज मैंने रखी, मैंने कहा इसमें लाइन आएगा, ठीक है, इसमें टाइगर आएगा और इसमें बेटा आएगा हमारे पास दैट इज लीपॉड। ठीक है, हमने कहा इनमें सिमिलरिटी ज्यादा है तो एक ही जीनस में रखा। ठीक है, अब बेटा और एक बात सुनिए, और एक जीनस में यहां पे बनाता हूं दैट इज कॉल्ड एज फेलिस, दैट इज कॉल्ड एज फेलिस एक जीनस है। ये जो फेलिस जीनस है बेटा इसमें हम कैट्स को रखते हैं, जो कैट्स है ना बेटा
कैटस जितने भी है, ठीक है, जितने भी कैटस की स्पीशीज है बेटा, उन स्पीशीज में देखते हैं हम कितनी कितनी रिलेटेड है वो। अगर वो रिलेटेड है तो उनके लिए हमने और एक जीनस बनाया, दैट इज कॉल्ड एज फेलिस, दैट इज कॉल्ड एज फेलिस। तो अगर आपको कैट को देखना होगा तो आप उसको फेलिस जीनस में देखोगे, अगर आपको लायन टाइगर लीपर्ड को देखना होगा तो उसको पैंथेरा में देखोगे बेटा, ठीक है। अब समझना मेरी बात, दो जीनस है ना हमारे पास, पैंथेरा एंड फेलिस, पैंथेरा एंड फेलिस, ठीक है। अगर अब हम देखेंगे बेटा पैंथेरा और जो फेलिस जीनस है इन दोनों के बीच में बेटा सिमिलरिटी है, बहुत सारी सिमिलरिटी है लेकिन बहुत सारी डिफरेंसेस भी है, समझना मेरी बात। तो हम यहां पे कह रहे हैं अगर हम दो रिलेटेड जीनस को बेटा, दो रिलेटेड जीनस को जिनके कैरेक्टर्स आपस में मिल रहे होंगे उनको बेटा हम क्या कर रहे हैं, उनको बेटा हम एक सिंगल फैमिली में रख रहे हैं, एक सिंगल फैमिली में रख रहे हैं, और फैमिली को बेटा हम यहां पे नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फेलिडी, उसको बेटा हम नाम देते हैं फेलिडी। तो फेलिडी फैमिली में मैंने कितने जीनस रखे, दो, पैंथेरा एंड फेलिस। फिर मुझे बताएं जीनस में यहां पे मैंने कितने स्पीशीज रखे, बहुत सारे स्पीशीज रखे जो आपस में रिलेटेड है। यहां पे मैंने क्या रखा, यहां पे मैंने कैटस रखे, जितने भी कैटस के स्पीशीज है। तो ये बन गई स्पीशीज, ठीक है। अब जो स्पीशीज आपस में बेटा कैरेक्टर्स रिलेटेड दिखाएंगे उनके लिए जीनस बनाएंगे अलग अलग। अब जो जीनस बेटा आपस में बहुत सारी सिमिलरिटी दिखाएंगे उनको बेटा हम रखेंगे एक अलग फैमिली में, और फैमिली बेटा मैंने यहां पे बनाई एक फैमिली, दैट इज कॉल्ड एज फैलिडी, दैट इज कॉल्ड एज। तो इस तरह से बेटा हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाते हैं। लेकिन जितना हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ऊपर जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उतने उतने कैरेक्टर्स जो बेटा है, सिमिलरिटी जो बेटा है वो डिक्रीज हो जाती है, ना कि बेटा इंक्रीज हो जाएगी, बात को समझना। जितना हम नीचे से ऊपर जाएंगे ना बेटा उतने कैरेक्टर्स, रिलेटेड कैरेक्टर्स जो बेटा है वो डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन जितना हम ऊपर से नीचे आएंगे बेटा उतने कैरेक्टर्स जो है बेटा वो सिमिलर होते जाएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे फैमिली के बाद बेटा ऑर्डर लिखा, ठीक है। ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं बेटा, ऑर्डर में हम रिलेटेड फैमिलीज को बेटा रखते हैं, रिलेटेड फैमिलीज आर प्लेस्ड इन द सेम ऑर्डर, रिलेटेड फैमिलीज आर प्लेस्ड इन सेम ऑर्डर, इनको बेटा सेम ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है बेटा। यही पे मैं दिखाऊंगा एक बार फिर से, इसको मैं बड़ा बनाऊंगा बेटा आपको समझाने के लिए, फिर से एक बार बड़ा बनाते हैं बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइन टाइगर, ठीक है बेटा, और यहां पे हमारे पास कैटस है, ठीक है बेटा। इनके लिए हमने इनके लिए जीनस बनाया पैंथेरा, इनके लिए बेटा जीनस हमने बनाया दैट इज कॉल्ड एज फेलिस, दैट इज कॉल्ड एज। ये दो जीनस थे लेकिन इनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, तो इनको मैंने कहा इनको हम एक ही फैमिली में रखेंगे, और उस फैमिली को बेटा मैंने नाम दिया फेलिडी, उसको मैंने नाम दिया फेलिडी। अब समझना मेरी बात, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बेटा डॉग्स होंगे, क्या होंगे, डॉग्स अब हमारे पास है, ठीक है बेटा। डॉग्स के लिए बेटा मैं और एक अलग फैमिली बना रहा हूं, और एक अलग जीनस बना रहा हूं, और एक अलग फैमिली बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इनके लिए फैमिली है कैनिडी, कैनिडी इनके लिए फैमिली है, ठीक है। सो डॉग्स के लिए फैमिली कैनिडी है, जीनस कुछ और होगा, और यहां पे होगा स्पीशीज डॉग, यहां पे स्पीशीज कैट है, जीनस फेलिस है, यहां पे लाइन टाइगर है, जीनस पैंथेरा है। फैमिली वर्ग इन दोनों की फैलिडी, और इनकी फैमिली है बेटा दैट इज कॉल्ड एज कैनिडी। लेकिन इन दोनों में बेटा कैरेक्टर्स थोड़ा सिमिलर है, तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, हम इनको एक ही ऑर्डर में रखते हैं, और उस ऑर्डर को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज कार्निवोरा, उस ऑर्डर को बेटा हम कार्निवोरा का नाम देते हैं। क्लियर बेटा, आप बात को समझ रहे हो, हाउ वी आर मेकिंग द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो कार्निवोरा बेटा एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर में कितनी फैमिलीज हो सकती है, बहुत हो सकती है। मैंने एक फैमिली कहा फेलिडे, फिर दूसरी फैमिली कहा कैनिडे, ठीक है। उसी तरह बेटा मैंने इसमें अलग जीनस बनाया, इसमें अलग जीनस बनाया, इसमें भी जीनस होंगे बेटा, बहुत सारे जीनस होंगे, फिर अपनी अपनी स्पीशीज होगी। यहां तक मुझे बेटा बताए, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में बेटा क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, किस तरह टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, समझ रहे हो ना। तो यहां तक हम बेटा ऑर्डर तक आ गए, ठीक है। लेकिन जितना ऊपर जाएंगे उतने सिमिलरिटीज या जो कैरेक्टर्स है ना बेटा वो ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन हम कहेंगे कैरेक्टर्स थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर्स मिलेंगे लेकिन ज्यादा नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम बेटा आएंगे दैट इज कॉल्ड एज क्लास, उसके बाद हम क्लास पे आते हैं। अब क्लास अगर हमें देखना होगा ना, क्लास में हम क्या करेंगे, जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स बनेंगे ना बेटा उनको हम एक सिंगल क्लास में रखेंगे। तो क्लास हम सिंपली यहां पे कहेंगे जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे,
रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी कि जिनके कैरेक्टर्स बेटा मिलेगी, रिलेटेड ऑर्डर्स आर प्लेस्ड इन, आर प्लेस्ड इन सिमिलर क्लास, उसको बेटा एक ही क्लास में बेटा हम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, यहां पे एक ऑर्डर है दैट इज कार्निवोरा, ठीक है बेटा, और एक ऑर्डर होता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज ए प्राइमेट, दैट इज कॉल्ड एज ए प्राइमेट। प्राइमेट बेटा एक ऑर्डर है, ठीक है बेटा। प्राइमेट्स में आपको मंकीज मिलेंगे, ठीक है बेटा, यही ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, मंकीज और भी है, क्या नाम है उनका याद नहीं आ रहा है। प्राइमेट्स बेटा एक ऑर्डर है, ठीक है बेटा। ये प्राइमेट जो बेटा एक ऑर्डर है, यहां पे कार्निवोरा बेटा एक ऑर्डर है, ठीक है। इन दोनों को हम एक ही क्लास में रखते हैं एंड दैट क्लास इज कॉल्ड एज मैमेलिया। उस क्लास को बेटा हम क्या नाम देते हैं, उस क्लास को बेटा हम नाम देते हैं मैमेलिया। दैट इज हाउ वी आर मेकिंग द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, पहले स्पीशीज, फिर जीनस, फिर बेटा यहां पे आपको ऑर्डर मिलेगा, फिर आपको मिलेगा बेटा क्लास। इसके बाद बेटा हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज फाइलम, दैट इज कॉल्ड एज फाइलम। अब बेटा मुझे बताइए फाइलम में हम क्या रखेंगे, फाइलम में हम कहेंगे जितने भी रिलेटेड क्लासेस होंगे बेटा, जितने भी रिलेटेड क्लासेस होंगे उनको हम सेम फाइलम में बेटा रखेंगे। किसमें रखेंगे, सेम फाइलम में बेटा रखेंगे, ठीक है। आपने जूलॉजी में बेटा पढ़ा होगा और जूलॉजी में आपने बहुत पढ़ा है, मैं एक एग्जांपल यहां पे दूंगा बेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास स्पाइसेस है, ठीक है बेटा, आपके पास बर्ड्स है, ठीक है, पढ़ा है, आपके पास मैमल्स है ना, ये क्लासेस आपके अगर आपने पढ़ा होगा, ये सारे क्लासेस है बेटा, ये एक क्लास, ये दूसरा क्लास है, ये तीसरा क्लास है बेटा, ठीक है। इनको बेटा हम एक ही फाइलम में रखते हैं और उस फाइलम को बेटा हम नाम देते हैं कॉर्डेटा, क्या नाम देते हैं बेटा, कॉर्डेटा। तो ये एक फाइलम बन गया, ठीक है बेटा। फिर से सुनिए, क्लास बहुत सारे क्लासेस बेटा जब आपस में रिलेटेड होंगे, थोड़ा कैरेक्टर्स दिखाएंगे बेटा, या एवोल्यूशनरी या और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिखाएंगे, उनको बेटा हम एक ही फाइलम में डालते हैं और उस फाइलम को बेटा नाम देते हैं हम कॉर्डेटा, क्या नाम देते हैं बेटा, कॉर्डेटा। और लास्ट में हमारे पास आता है जिसका नाम है बेटा दैट इज कॉल्ड एज द किंगडम, जिसको हम बेटा किंगडम का नाम देते हैं। अब किंगडम में बेटा हम क्या रखेंगे, किंगडम में बेटा हम रखेंगे, अगर एनिमल्स की बात करेंगे बेटा तो हम कहेंगे इसमें हम रिलेटेड जितने भी रिलेटेड फाइलास होंगे बेटा उनको हम एक ही किंगडम में रखेंगे बेटा। फॉर एग्जांपल जितने भी रिलेटेड फाइलास है, चाहे इसमें पॉलीफेरा है, इनवर्टिब्रेट्स है या वर्टिब्रेट्स है, जितने भी क्लासेस आपने जूलॉजी में पढ़े होंगे बेटा उनको आप लास्ट में एक ही किंगडम में रखते हो, दैट इज कॉल्ड एज किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम बेटा, उसको आप लास्ट में नाम देते हो दैट इज कॉल्ड एज एनिमल किंगडम। और किंगडम आपकी सबसे हाईएस्ट कैटेगरी बनती है। आपके पास है एनिमल किंगडम, इसमें बहुत सारे फाइलास है, ठीक है, फाइलम पॉलीफेरा, फाइलम कॉर्डेटा, इकेनोडर्मेटा, बहुत सारे फाइलम है। फाइलम में आप देखोगे अपना अपना क्लास है, क्लास में देखोगे आप अपने अपने ऑर्डर्स है, ऑर्डर में बेटा आप देखोगे फिर जीनस होंगे, जीनस में फैमिली होगी, फैमिली में फिर देखोगे जीनस होंगे, जीनस में आप फाइनली देखोगे स्पीशीज होगी। सो दैट इज हाउ वी आर ग्रुपिंग दीज ऑर्गेनिजम्स, हम कैसे इन ग्रुप ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर रहे हैं अपने अपने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। दूसरे एग्जाम्पल हम प्लांट से सीख सकते हैं बेटा, किंगडम प्लांट है हमारे पास, ठीक है, फिर हमने कितने डिविजन बनाए, एल्गे बनाया, ब्रायोफाइट बनाया, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म बनाया, फिर हमने एल्गे में क्लासेस बनाए बेटा, आप देख सकते हो क्लोरोफाइट से, पियोफाइट से, रोडोफाइट से, और मैं बेटा ऑर्डर्स होंगे, और ऑर्डर्स में बेटा आपको फैमिलीज मिलेंगी, फैमिलीज में बेटा आपको फिर से जीनस मिलेगा, और जीनस में लास्ट में आपको स्पीशीज मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम बेटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कैसे बनाते हैं। और जब तक बेटा अगर आपने जूलॉजी में किंगडम एनिमेलिया पढ़ा होगा तो उससे बेटा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे बेटा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाते हैं। तो ये 7 बेसिक फंडामेंटल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, क्लियर बेटा। इसके बाद आती है इंटरमीडिएट कैटेगरीज, क्या आती है बेटा, इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी बेटा हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं सीधे एक चार्ट बनाऊंगा, उसको देखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर किंगडम बताया था, किंगडम हमारे पास फंडामेंटल कैटेगरी है, ठीक है, लेकिन मैं यहां पे लिख सकता हूं सुपर किंगडम भी, आई कैन सी सुपर किंगडम, किंगडम के नीचे में बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं सब किंगडम, मैं सब किंगडम भी बेटा दिखा सकता हूं, ठीक है बेटा। उसके बाद आपने फाइलम बताया, ये फाइलम है तो इसके ऊपर आप लिख सकते हो सुपर फाइलम, समझ लो मेरी बात, इसके नीचे लिख सकते हो सब फाइलम, इसी तरह बेटा आप क्लास को लिख सकते हो सुपर क्लास, ठीक है बेटा, इसी तरह आप लिख सकते हो बेटा सब क्लास, इसी तरह बेटा आप नीचे जाओगे और ये जो बनते हैं ना बेटा इनको फिर हम नाम देते हैं
दीज आर द इंटरमीडिएट कैटेगरीज, ये सारी की सारी बेटा इंटरमीडिएट कैटेगरीज है, सारे की सारे बेटा इंटरमीडिएट कैटेगरीज है। अब बात करते हैं बेटा एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है बेटा, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एनसीईआरटी ने, जिनको आपको थोड़ा देखना है, याद रखना है, ठीक है। लेकिन मैं समराइज करूंगा, देखिए कैसे एनसीईआरटी ने क्या किया है। उसने पहले स्पीशीज को पैराग्राफ पे उठाया है, ठीक है बेटा, वहां पे उसने स्पीशीज में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है बेटा। उसने कहा सोलनम ट्यूबरोसम, पैंथ्रा टिग्रिस या पैंथ्रा लियो, उसने वहां पे दिखाया है लियो और ट्यूबरोसम जो है बेटा ये दोनों स्पीशीज है, पैंथ्रा जो इसमें है वो जीनस है। ये हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर में, स्पीशीज एपिथेट क्या होता है और जीनस एपिथेट क्या होता है, ठीक है। इसको नॉमेनक्लेचर में हम ब्रॉडली स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा स्पीशीज क्या है, तो आप उसको बोलोगे ये डेफिनेशन है स्पीशीज की, वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करेंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे बेटा, वो स्पीशीज है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगी। अब अगर आपसे कोई बोलेगा जीनस क्या होता है, आप कहोगे जितने भी रिलेटेड स्पीशीज होते हैं, जिनमें कैरेक्टर्स बेटा ज्यादा मिलते हैं, उनको हम नाम, फिर उनको हम कहते हैं इनको एक जीनस में रखें। अब जीनस कितने बन सकते हैं, जितनी स्पीशीज में आपस में सिमिलरिटी होगी। मैंने एक जीनस सिंपली दिखाया, लायन टाइगर एंड लीपर्ड, इनका एक जीनस बन सकता है पैंथ्रा। क्यों? क्योंकि लायन टाइगर और लीपर्ड जो है इनके कैरेक्टर्स बेटा ज्यादा सिमिलर है, एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कैट्स को लोगे, कैट्स और लायन और टाइगर में थोड़े कैरेक्टर्स वैरी होते हैं, तो मैंने कहा कैट्स के लिए बेटा अलग जीनस बनेगा, ठीक है। अब कैट्स में बहुत सारे होंगे, ठीक है, आगे सवाल ठीक है, मगर एमोरेजिक बिग कैट्स आसानी से जंगलस में छुआ लाभ गोबर को, ठीक, को तीन सारा स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज, ठीक, मगर इमन च कैरेक्टर्स पानो सिमिलर, इम तुलित से इम थरित से दो यू एम मना सा बनाओ अब कोई जीनस दैट इज फेलिस, ठीक है। वन चीज सो बता यूस फेलिस जीनस बनो में बेजर में योर बनो ब्या जीनस पैंथेरा यम आस पानव रलान यम आस पानव कैरेक्टर्स रलान चलो थे चलो अगर यम कैरेक्टर्स पानव रलान तुलू सा थो सह एक्स कथ मैं थे एक्स फैमिली मे वो तीज फैमिली दैट इज कॉल्ड फेलिस फैमिली गो यम सा फेलिस फैमिली हूं नाव हेकना ऐसे पता फेलिस फैमिली मे जीनस फेलिडी तथ मज जीनस पैंथरा तेव पता टाइगर कथ फैमिली मे बिलोंग करान ऐसे पता लायन कथ फैमिली से बिलोंग करान क्लियर बेटा। इसी तरह हम फैमिलीज को देखेंगे। अब एक फैमिली हमारे पास बन गई दैट इज कॉल्ड एज उसको हम नाम क्या दिए हम पे यहां पे फैलिडी हमने यहां पे नाम दिया ठीक है बेटा। इसी तरह दूसरी फैमिली जो होगी वो फैमिली बेटा उनमें अगर कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे तो हम कहेंगे ये एक ऑर्डर में आएंगे बेटा। अगर फिर ऑर्डर्स में सिमिलरिटी होगी ज्यादा सिमिलरिटी होगी तो उसको एक उसको एक क्लास क्लास में रखेंगे। अगर क्लास में बेटा सिमिलरिटी होगी तो एक फाइलम बनाएंगे। अगर फाइलम में सिमिलरिटी होगी तो बेटा हम फाइनली एक किंगडम बनाएंगे। क्लियर बेटा। यहां तक बेटा सबको समझ में आया। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल मेरी क्लास होगी 7:30 पे, जो ग्रुप मैंने बेटा बनाया था 360 डिग्री उसकी क्लास बेटा होगी 7:30 AM और ये क्लास बेटा कंटिन्यूअसली रहेगी। क्लियर बेटा, ये क्लास कंटिन्यूअसली रहेगी। इसके बाद में इसके बारे में कल डिस्कस करूंगा, लेकिन ये बात रखिए यहां पर आपकी क्लास होगी और यहां पर आपका एक नया विजन बेटा बायोलॉजी में स्टार्ट होगा। बायोलॉजी में एक नया विजन यहां पे स्टार्ट होगा, ठीक है बेटा। जितने भी स्टूडेंट रहेंगे, जितने भी रहना चाहते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे मैं कल इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है बेटा। आई विल स्टार्ट, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा बेटा वो भी आपको कल पता चलेगा। लेकिन मैं बायोलॉजी 360 डिग्री को खुद बेटा सारी बायोलॉजी को स्टार्ट करूंगा और ये ऑफलाइन भी बेटा कंटिन्यू रहेगा, चाहे कोचिंग सेंटर्स खुले होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरा ये कोर्स बेटा अब कंटिन्यू रहेगा, ठीक है बेटा। यहां तक बेटा आज के टॉपिक को थोड़ा एनसीईआरटी पे देखना, ठीक है, एनसीईआरटी के लाइंस को थोड़ा देखना। कल हमें इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में बेटा सारी चीजें जो है वो आपके सामने आ जाएंगी खुल के, ठीक है बेटा। ये नहीं बोलना 7:30 पे आपकी क्लास होगी, ठीक है बेटा। इसमें बहुत सारी सस्पेंस है, इसमें बहुत कुछ है जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। इंशाल्लाह इट विल बी